बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये नहीं है कि गलतियां कितनी हुई, बात ध्यान देने योग्य ये है कि गलतियां किन कारणों से हुई और क्या वो पता चली या नहीं, उसमें सुधार हुआ या नहीं। देखिए, एक शिक्षक अपने वर्ग में जब पढ़ाता है तो वो शिक्षक उस चांद की भांति होता है जिसकी चांदनी फूलों पे जितनी पड़ती है कांटों पे भी उतनी ही पड़ती है। फिर भी कोई फूल बनते हैं तो कोई कांटे बनते हैं। जैसे राह चुनते हैं वैसे बनते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि राह ही क्यों गलत चुने, राह का चयन बेहद समझदारी के साथ होना चाहिए। पूरे पौधे पे जब चांदनी समान रूप से अपनी छटा बिखेरती है तो फिर उसके कुछ उत्पाद पुष्प के तौर पे और कुछ कांटों के तौर पे क्यों उभरते हैं? और किसी चांदनी की इच्छा नहीं होती है कि वो कांटे को जन्म दे। वो चांद से आदेश लेकर नहीं चलता है कि कांटे को जन्म दे। सूर्य की किरणें जब बिखरती है आसमान में तो वो अपनी छटा नदियों पे जितनी बिखेरती है कलकल करती हुई, नालों पे भी उतनी ही बिखेरती है। एक बार आदमी जो जुल्म कर रहा है उस पे भी उतनी ही बिखेरती है जितना जो दान कर रहा है उस पे बिखेरती है। वो जब भेदभाव नहीं करती है तो फिर गलत राहों का चयन क्यों? एक शिक्षक से ज्ञान से अधिक चरित्र का संदेश लेना चाहिए। लोगों की तो फितरत रही है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की, खास तौर से वे जो पद के भूखे हैं या धन के भूखे हैं या मिथ्या सम्मान के भूखे हैं, जिसकी योग्यता उनमें नहीं है उस चीज को वो बनाए रखना चाहते हैं छल बल कल के द्वारा। तो वो तो सत्य को कोसों दूर रखेंगे ही, और एक अपना निराधार सत्य का समर्थन करेंगे ही। पर क्या उनके बच्चे को वो वैसी शिक्षा देंगे? और परिणाम इसका क्या होगा? एक अयोग्य अयोग्य की ही संख्या बढ़ाता है। हमारे जो कहने का अर्थ है वो सिंपल सा है कि विद्यार्थी लोगों को गलत राह का चयन नहीं करना चाहिए, या जो कल के भविष्य हैं जो सीख रहे हैं समाज से परिवार से, बच्चे लोगों को गलत राह का चयन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है
कि पैसे को इतना महत्व ना दे कि वो सिर पे बैठ जाए। राजा परीक्षित से भी गलत कार्य हो गए हैं पैसे को गलत सिर पे बिठाने के कारण, अर्थात सोने को सिर पे बिठाने के कारण। बॉस अगर आपको डांटते हैं तो आप अपने बच्चों को डांटे ये उचित नहीं है। कई लोग बॉस से डांट खाकर अपनी पत्नियों से लड़ा करते हैं। तो एक कर्मचारी अपने मालिक से डांट खाकर अपनी पत्नी से ना लड़े, अपने बच्चों को ना डांटे। वो कमाने इसलिए जाता है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। एक लक्ष्मीपति भला सरस्वती को क्या कद्र करेगा? और चरित्र की अहमियत अलग होती है, धन की अहमियत अलग होती है। चरित्र कहीं श्रेष्ठ है, संतुष्ट जीवन कहीं श्रेष्ठ है सफल जीवन की तुलना में। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई बॉस है और वो गलत चीजों का समर्थन कर रहा है तो तत्काल उस संस्थान को छोड़ दे। मूर्ख के साथ महल में रहने से बेहतर है ज्ञानी के साथ झोपड़ी में रहना। अंधेर नगरी में रहने से अच्छा है पढ़े लिखे गांव में रहना। अंधेर नगरी का जो राजा है वो अवश्य ही चौपट है, तभी तो नगरी में अंधेरा है, तो आपके साथ गलत ही होगा वहां पर। एक पिता चाहता क्या है अपने बच्चों से? एक पिता अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसके बच्चे जब वो आए घर पर काम करके तो उससे बातें करें। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं माँ बाप के। तो एक पिता से अवश्य बातें करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन बच्चे लोग अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहते हैं। क्या ये उचित है? बच्चे लोगों को दोस्तों की तुलना में माँ बाप को अधिक समय देनी चाहिए और माँ बाप को भी बच्चों से घुल मिल करके रहना चाहिए। रोटी इंसान की मेहनत से मिलती है, देने वाले ऊपर वाले होते हैं। तो किसी की अधीनता स्वीकार करके अपने पूरे परिवार को अधोगति में क्यों डालना? आपसे आपका परिवार है और आपकी मेहनत से दुनिया है। धन्यवाद। वैसे अंत में एक बात कहूँगा जाते जाते, बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, उससे जो सुख शांति मिलती है उनके हंसते हुए चेहरे को देख करके, उससे सारी थकान मिट जाती है, सारी थकान। तो बच्चों के चेहरे की मुस्कान को कभी कम न होने दें, कभी कम न होने दें।